नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपार क्लासेस में। और आज हम लोग एक बायोग्राफी कंप्लीट करेंगे और उन पोएट का नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपार क्लासेस में। और इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज़ में एक ऐसा मैं वीडियो लाया हूँ जो बड़ा ही अजीब है। सेंटेंस उसमें दिए गए हैं कि जैसे लोटर लड़ते लड़ते लुढ़क गया, ये चवन्नी घिसती घिसती घिस गई। ऐसे लोग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर इसका बताइए, मैम इसका बताइए, अरे बेटा इसका बताओ थोड़ा सा कैसे बनेगा, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि आप इंग्लिश सीख रहे हो या फिर इंग्लिश थोड़ी बहुत आपको। तो लोगों का इंटेंशन ये होता है कि वो आपका टेस्ट लें, और वो टेस्ट लेंगे जो ज़्यादातर कोई नहीं बता पाता है। तो जो कोई नहीं बता पाता उसका सॉल्यूशन आज मैं यहाँ पर आपको दूंगा। तो इन चीज़ों को कैसे बनाना है, क्या करना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, और दुनिया की सबसे आसान ट्रिक तरीके के साथ मैं आज आपको बताऊँगा कि जो सेंटेंस सुने सुनाए हैं लोटर लड़ते लड़ते लुढ़क गया, ऐसे लाखों हज़ारों सेंटेंस अपने मन से खुद बना लोगे। आपको किसी से पूछे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सेंटेंस बता दो। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा A to Z, और आपको वो तरीका देके जाऊंगा ब्रह्मास्त्र जो आपको किसी ने दिया होगा या फिर दिया होगा तो आपने उसको सही से अप्लाई नहीं किया कर पाए होंगे। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ नोट्स वगैरह आप चाहते हो तो आप मेरे यहाँ से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर से जा कर के ले सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो कुछ बातें समझ लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं जाते जाते, सुनते सुनते, बताते बताते, घिसते घिसते, तोड़ते तोड़ते, देखते देखते, चाहे ये शब्द दो बार आए या जाते 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 बोलते ही रहिए, है ना। तो कंपलसरी कि दो बार आए, आप कंटिन्यू बोलते रहिए, सारे शब्द बोलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू बोलिए। इन सब का एक ही स्ट्रक्चर है। तो कुछ सेंटेंस देखते हैं कि कौन कौन से, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि इन सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। जैसे कि लोटा लुढ़ते लुढ़ते लुढ़कते लुढ़क गया। आप लुढ़ते लुढ़ते या तीन बार बोलो या चार बार बोलो या पांच बार बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, एक सेंटेंस ये रहा, चवन्नी घिसते 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 घिस गई, क्लियर। मैं सोचते सोचते सोचता रहा, ठीक है ना। तो सोचता रहा, फिर और देखते हैं, मैं बताते बताते बता गया, वह आम खाते खाते बेहोश हो गया, राम कहानी सुनाते सुनाते सब कह गया। तो ऐसे हजारों लाखों सेंटेंसेस हैं जो आएंगे, और बार बार ढूंढोगे पूछो किसी से तो अच्छा नहीं लगता है। उसका टेक्निक आपको मिल जाए तो बेटर रहेगा। तो हम बस उसी चीज़ों को कवर आज करेंगे और आपको सीधा टेक्निक बता देंगे, अगर ये सेंटेंस आपको मिल जाए तो इसका ऐसे बनेगा। तो देखिए, पहले स्टडी करते हैं इन शब्दों को। जब भी दो वर्ड्स आते हैं, तीन वर्ड्स आएँ तो चार वर्ड्स आएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने मन में एक वर्ड कर लो, वाइल। क्या शब्द है ये हमारा, वाइल। अब जो भी ये वर्ड्स हैं इसकी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है, कुछ भी नहीं करना है, बाकी का मैं भी आपको बाद में बता दूंगा। तो जब भी आपके कुछ कोई वर्ड्स जो पेयर में हो, दो से ज़्यादा हो या दो हो, तो आप उनकी इंग्लिश याद कर लीजिए, फर्स्ट फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो जाना कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। तो इसकी बन जाएगी पहले की वाइल, सॉरी इसमें ing और जोड़ना है, वाइल गोइंग, क्लियर। तो अपने कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको दो से ज़्यादा वर्ड्स मिले तो आपने मन में याद कर लीजिए वाइल, और जो ये वर्ड्स लिखे हो उनकी फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पे लगानी है, उसमें जोड़ देना है ing। तो पहले वाली बन जाएगी वाइल गोइंग, क्लियर, वाइल गोइंग। दूसरे की तो वाइल सुनते सुनते ही हो जाएगी लिसनिंग या हियरिंग, फर्स्ट फॉर्म में जोड़ दी ing। इसको बताते बताते तो वाइल जोड़ अपने मन से और उसमें जोड़ देंगे, बताने की हो जाएगी टेलिंग, ठीक है ना। फिर घिसते घिसते तो वाइल। अब जैसे आपको घिसने की लिस्ट नहीं है तो आप डिक्शनरी में देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो वाइल और इसमें जोड़ देंगे स्क्रैचिंग, घिसना की होती है स्क्रैचिंग, स्क्रब बार जो आपका मार्केट आता है 10 रुपये 15-20 रुपये का, जिस पर घिसते हैं लोग बर्तनों को साफ करते हैं, वही स्क्रैच हो जाएगा। तो तोड़ते तोड़ते तो तोड़ते तोड़ते हो जाएगी वाइल, और तोड़ना की होती है इंग्लिश ब्रेक, में जोड़ देंगे ing, वाइल ब्रेकिंग। देखते देखते तो यहाँ पर हो जाएगा वाइल, और देखना कि आपने सोचा जैसे वॉच लगाना है, चलिए वॉच लगा देते हैं और जोड़ देंगे उसमें ing। तो सुनते 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 बोलते रहिए, तब भी वाइल लिसनिंग आएगा। देखते 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 50 बार 100 बार 1000 बार लाख बार बोली तो भी आपको सुनते सुनते की इसका लगानी है वाइल लिसनिंग, इतने से कंप्लीट हो जाएगा सेंस। तो जब भी आपको 2 3 4 5 में बार एक ही शब्द बार बार लिखा हो दिखाई तो उसकी इंग्लिश होती है वाइल प्लस v1 प्लस ing, उस शब्द की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देंगे ing। अब ये बात अगर समझ में आ गई तो स्ट्रक्चर को समझते हैं।
करना क्या आपको सिंपल तरीका है कि जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है पहले उसको आप अंडरलाइन कर लो। ये हमने कर लिया अंडरलाइन। हमने सीखा था इंग्लिश, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाइल। तो यहाँ पे अपने मन से लगा साइड से रख लीजिए वाइल। लुढ़कना की इंग्लिश होती है रोलिंग, ROLL। अब उसमें जोड़ देंगे ING। यही हमने अभी पीछे सीखा था। इस शब्द को उठा के रखेंगे लास्ट में और बाकी का सेंटेंस पहले आप देखते हैं। लोटा लुढ़क गया, लोटा लुढ़क गया, इतना हमारे पास सेंटेंस बचा है, इसको हमने तोड़ करके अलग कर दिया। तो करना लोटा लुढ़क गया, तो लोटा लुढ़क गया, लोटा लुढ़क गया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गया, है ना, सेकंड फॉर्म में सेंटेंस गया है, तो लोटा की हो जाएगी। द पॉट लगाना है, वैसे लगाना, जो आपको लगाना है वो वर्ड लगा सकते हो, ठीक है ना। मैंने पॉट ले लिया, द पॉट फेल, गिर गया, फेल डाउन कर सकते हो, नीचे गिर जाना या फेल कर सकते हो। अब बचे वो सेंटेंस अपना पीछे वाला जो हमने अलग कर लिया था उसको बस लास्ट में जोड़ देना है, वाइल रोलिंग, ठीक है ना। अब अपना स्ट्रक्चर क्या तैयार हुआ कि अपना पहले सेंटेंस कंप्लीट कर लो, पहले वर्ब लगा दो सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब लगा दो, फिर बच्चा, फिर उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे वाइल, और जिस शब्द के बारे में बात हो रही है उसकी जोड़ देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये अपना स्ट्रक्चर एक रेडी हो गया है। कुछ भी नहीं करना, फिर से वही काम करते हैं। चवन्नी घिसते 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 घिस गई, या चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, कुछ भी आप बोलिए। तो जो बार बार रिपीट वर्ड वगैरह उसको आप कर लीजिए साइड से। अब जो बचा हुआ है उसमें सब्जेक्ट वर्ड ढूंढ लीजिए, चवन्नी घिस गई, यही तो अपने पास बचा है। तो कौन घिसा? चवन्नी। चवन्नी की इंग्लिश होती है द पैनी, ठीक है ना, ये पैनी या द पैनी, आपको जो लगाना है वो लगा सकते हो। और घिस गई, सेकंड फॉर्म फिर से आया, तो घिसना की इंग्लिश क्या होती है, अभी बात की थी हम लोगों ने, स्क्रैच। जोड़ देंगे उसमें मन से ED, स्क्रैच। चवन्नी घिस गई, इतनी की इंग्लिश हो गई कंप्लीट। अब क्या अपने पास बचा? घिसते घिसते घिसते। तो हमने क्या सीखा था, वाइल मन से लगाएंगे और उसमें जोड़ देते हैं हम लोग ING। तो वाइल घिसने की इंग्लिश हो जाएगी स्क्रैचिंग। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा, द पेनी स्क्रैच्ड वाइल स्क्रैचिंग। तो ये आपका सही तरीका बन गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं सोचते सोचते सोचता रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोचते सोचते डबल वर्ड है, तो उसको कर दिए ब्रैकेट में। अपने पास क्या बचा, मैं सोचता रहा। अब कौन सोचता रहा? मैं, ठीक है, क्या कहता रहा, सोचता रहा, सेकंड फॉर्म में बात हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे एक काम जो वो कंटिन्यू जारी रहा, वहाँ पर जारी रहा, तो ता रहा, ती रहे, ते रहे, इन सभी की एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बहुत डिटेल बताऊंगा कि कोई भी काम है जो पास्ट में, लेकिन हमें वो लग रहा है कि वो जारी है, प्रेजेंट में वो जारी है, फ्यूचर में वो जारी है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अपने मन से जोड़ते हैं गो ऑन या वेंट ऑन। तो गो ऑन की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लगाएंगे हम लोग वेंट, और ऑन रहा के लिए, है ना, कंटिन्यू जारी है। अब क्या जारी था, सोचना, सोचना की इंग्लिश हो जाएगी थिंकिंग। फिर सोचते सोचते, तो वहाँ पे डबल वर्ड के लिए हम लोग अपने मन से लगाएंगे वाइल, और सोचना की हो जाएगी थिंकिंग। अब ये मत कहना कि ये डबल और थिंकिंग कैसे आया, ये सेकंड वाला भी फर्स्ट वाला थिंकिंग इसकी वजह से आया और सेकंड वाला इसकी वजह से आया। तो ये तरीका आपका है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का, यही तरीका है। कुछ भी आप बोलिए बस ऐसे ही बनाना है। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, मैं बताते बताते बता गया, तो बताते बताए डबल वर्ड है, इसको रख दिया पीछे, वाइल बताने की हो जाएगी टेलिंग। अब अपने पास क्या बचा, मैं बता गया, तो मैं की हो जाएगी आई, बता गया सेकंड फॉर्म, बताने की इंग्लिश हो जाएगी टोल्ड, आई टोल्ड वाइल टेलिंग, सेंटेंस अपना कंप्लीट हुआ। वह आम खाते खाते बेहोश हो गया, तो खाते खाते की इंग्लिश कर देंगे पीछे लास्ट में, तो वाइल खाना की इंग्लिश हो जाएगी ईटिंग। अब यहाँ पर आते, राम आम खाते खाते बेहोश हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, थोड़ा सा आपको ध्यान ये भी देना है कि सेंटेंस को और भी क्लियर करना है कि राम खाते खाते, क्या खाते खाते, तो वाइल ईटिंग मैंगो, है ना, तो वहाँ पर आपका कुछ बचा हुआ भी, इसलिए इसको भी कवर करना है। तो क्या खाते खाते, वाइल ईटिंग मैंगो, तो ए मैंगो कर दीजिए, वाइल ईटिंग ए मैंगो। क्या हो गया था राम को, बेहोश हो गया था। तो देखिए यहाँ पे खाते खाते समय एक उसका ऑब्जेक्ट भी साथ में, इसलिए मैंने पीछे उसके रख दिया, तो राम वह बेहोश हो गया, तो ही हो जाएगा, बेहोश होने होने की होती है इंग्लिश फेंट,
सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे जोड़ देंगे फेंटेड, ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया आम खाते खाते, तो वाइल ईटिंग आ मैंगो, सबसे सही तरीका ट्रांसलेट करने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि ये ऐसे भी बनेगा। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, राम कहानी सुनाते सुनाते सब कह गया, तो क्या सुनाते सुनाते, कहानी सुनाते सुनाते, ये हम इतना पर पूरा का पूरा सेंटेंस को लेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे, तो वाइल टेलिंग क्या सुनाते, कहानी, तो ए स्टोरी, टेल स्टोरी, तो आपको याद होगा ये फ्रेज है, तो राम सब कह गया, तो राम की राम कहना की सेकंड फॉर्म होती है सैड, और सब की इंग्लिश हो जाएगी एवरीथिंग, एवरी थिंग, तो राम सैड एवरीथिंग वाइल टेलिंग ए स्टोरी, ये रहा आपका तरीका। तो कुछ भी दुनिया सेंटेंस आ जाए, आपको रुकना नहीं है, उसको बना करके ही दिखाना है। तो ये रहा तरीका, ये रही टेक्निक, ऐसे ही हम लोग हर चीज़ को बनाते हैं। और भी जो भी तरीके बनाने के, आप लोग कमेंट बता सकते हो कि ऐसे भी इस चीज़ों को बना सकते हैं। उम्मीद आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और ट्रांसलेशन, इसमें ग्रामर, स्क्रिप्ट राइटिंग, सब कुछ मैं इसमें कवर करूँगा और अच्छे लेवल पे, ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।